सो गाइस, इस वीकेंड के वार से हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही एक्सक्लूसिव न्यूज़। जी हाँ गाइस, यहाँ पर सलमान खान ने किया है विक्की जैन पर बहुत ही खतरनाक वार। बिग बॉस सीजन 17 के अंदर पहली बार जो है विक्की जैन की क्लास लगाई है सलमान खान ने। सलमान खान ने यहाँ पर विक्की जैन को इतना सुनाया कि यहाँ पर विक्की जैन की आंखों से आंसू तक आ गए। और यहाँ पर मुनव्वर फारूकी को मिला है बहुत बड़ा इंसाफ। सो दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह जो है हम जानेंगे कि किस तरह विक्की जैन की क्लास लगाई है सलमान खान ने। सलमान खान ने क्या कुछ बोला है विक्की जैन को और यहाँ पर आगे क्या हुआ है, चलिए पूरा विस्तार से हम आपको बताएंगे। लेकिन आगे देखने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। दोस्तों आपको बता दें कि इस वीकेंड के वार पर सलमान खान का गुस्सा सातवें आसमान पर होगा। और दोस्तों खास तौर से यहाँ पर सलमान खान आयशा खान, ईशा मालविया, अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की क्लास लगाने वाले हैं। और इसी के साथ साथ विक्की जैन पर जो है सबसे ज्यादा गुस्सा होंगे सलमान खान, क्योंकि आप सबको पता है कि पिछले जो है एपिसोड में मुनव्वर फारूकी के ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशंस लगाया था, बहुत बड़ा इल्जाम लगाया था विक्की जैन ने। दरअसल दोस्तों, टॉर्चर टास्क के दरमियान जब टीम ए पर टॉर्चर हो गया था और इसके बाद टीम ए जब दूसरी टीम पर टॉर्चर करने के लिए तैयारियां कर रही थी, फिर यहाँ पर टीम बी के जो सदस्य है, मतलब कि टीम बी के सदस्य विक्की जैन बाल्टियों को इधर उधर छुपाते हुए नजर आए और बिग बॉस की छत पर बाल्टियों को डालते हुए नजर आए, और साथ ही साथ उन्होंने किचन के सारे मसालों को भी छुपा दिया। और टीम ए पर टॉर्चर करने के बाद वो बहुत ज्यादा डर गए थे कि टीम ए इन पर बुरी तरह टॉर्चर ना करे। और इसके बाद जब मुनव्वर फारूकी बाल्टी को लेने की कोशिश करे तो यहाँ पर विक्की जैन जो है उन्हें छत से बाल्टियां निकालने भी नहीं दे रहे थे, जिसके बाद रिएक्शन ये हुआ कि मुनव्वर फारूकी गिरते गिरते बच गए। फिर जो है मुनव्वर फारूकी ने विक्की जैन का कॉलर पकड़ लिया और इसी मैटर को लेकर जो है सलमान खान अपनी राय देने वाले हैं, जिसके बाद जो है सलमान खान मुनव्वर फारूकी से कहने वाले हैं कि मुनव्वर तुमने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया। और यहाँ पर सलमान खान कहते हैं कि तुम्हारी तरह अगर मुझे किसी ने गिराने की कोशिश की होती तो मैं उसे वहाँ पर कॉलर नहीं पकड़ता बल्कि चार थप्पड़ और मार देता। ये बातें वीकेंड के वार पर सलमान खान कहते हुए नजर आएंगे। और सलमान खान मुनव्वर का बचाव करने वाले हैं और विक्की जैन की क्लास लगाने वाले हैं। यहाँ पर वो सबसे पहले जो है विक्की जैन को डरपोक कहने वाले हैं और यहाँ पर बाद में वो कहते हैं कि तुम लोगों ने जो टीम ए के साथ किया वो तुम्हारी हैवानियत थी, तुम्हारे मन में जितना भी उनके लिए गुस्सा था वो सब तुमने टास्क में निकाला। यहाँ पर सलमान खान कहते हैं कि अगर मुनव्वर वहां से गिर जाता, झाड़ से अगर वो गिर जाता, उसे चोट लग जाती तो क्या होता, इससे तुम्हारी मेंटेलिटी का पता चलता है। और यहाँ पर सलमान खान कहते हैं कि यही नहीं, इसके बाद तुमने मुनव्वर फारूकी पर और घटिया इल्जाम भी लगाए कि मुनव्वर जो है लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट करता है, मतलब कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम भी किसी से कम नहीं हो। ये सारी बातें कहते हुए नजर आएंगे सलमान खान, जिसके बाद हुआ यूं कि सलमान खान की ये सारी बातें सुनते ही विक्की जैन रोते हुए नजर आए। और यहाँ पर विक्की जैन कहते हैं कि मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया है सर, जिसके बाद अंकिता लोखंडे भी पूरी तरह से चुप हो गई और यहाँ पर वो कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ पर सलमान खान के गुस्से का वो भी शिकार थी। और यहाँ पर आपको बता दें कि इसी के चलते यहाँ पर सलमान खान वीकेंड के वार में एक शॉकिंग इविक्शन करने वाले हैं, और दोस्तों वो इविक्शन होगा विक्की जैन का, जहाँ पर सलमान खान बोलते हुए नजर आएंगे कि विक्की अब तुम्हारा सफर यहीं पर खत्म होता है, तुम्हें सबसे कम वोट मिले हैं और तुम अब घर से बाहर जाओ क्योंकि तुम्हें ऑडियंस ने बिल्कुल भी वोट नहीं दिया। और यहाँ पर इस तरह मुनव्वर फारूकी को इंसाफ मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तियों के आड़ में जो है इन लोगों ने मुनव्वर फारूकी का बहुत फायदा उठाया है। लेकिन बाहर की ऑडियंस को सब कुछ समझ आ गया और यहाँ पर मुनव्वर फारूकी के कहने पर विक्की जैन को घर से बाहर कर दिया गया है। वेल दोस्तों, इससे रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बिग बॉस से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ हम आपके लिए सबसे पहले लाते हैं, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।